Good morning, students. How are you? Fine. Thanks, dear children. Welcome to our PS online classes. प्यारे बच्चों, अभी हम लोग स्टैंडर्ड सेवेंथ का हिंदी ग्रामर चैप्टर 18th संबंध बोधक. प्रीवियस क्लासेज में भी प्यारे बच्चों हम लोग संबंध बोधक किसे कहते हैं और संबंध बोधक के भेदों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हम लोग संबंध बोधक के पांच भेद का भी उल्लेख कर चुके थे. जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य दूसरे शब्दों से बताते हैं उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं. जैसे मैंने दिया कि मैं माँ के बिना जी नहीं सकती, ज्ञान के घर के सामने मंदिर है इत्यादि. संबंध बोधक अव्यय के 10 भेद जो क्षमतावाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, कालवाचक, साधनवाचक, तुलनावाचक, हेतुवाचक, विरोधवाचक, संबंधवाचक और विषयवाचक है. इनमें से हम लोग साधनवाचक संबंधवाचक तक पढ़ चुके थे. अभी हम लोग पढ़ेंगे तुलनावाचक. तो आप सभी अपने समक्ष पाठ पुस्तक निकाल लें और सुंदर तरीके से इसे पढ़े लिखे और स्मरण करें. जो सिक्स में देंगे तुलनावाचक, तुलनावाचक यानी की अपेक्षा, की अपेक्षा, की तरह, की अपेक्षा, की तरह, के आगे, के आगे, के साथ, के साथ, के मुकाबले, के मुकाबले आदि. जैसे में देंगे, जैसे वह कामनी की तरह, वह कामनी की तरह चतुर है. किसकी तरह चतुर है? तो कामनी की तरह चतुर है. सेवेंथ में दे देंगे आपका है हेतुवाचक, हेतुवाचक यानी की खातिर, की खातिर, के लिए, के कारण, के कारण, के मारे आदि शब्द दे सकते हैं. आदि जैसे देंगे कि वह सर्दी के कारण, सर्दी के कारण बीमार हो गया, बीमार हो गया. किस कारण बीमार हो गया है? तो सर्दी के कारण हो गया है. के कारण इसमें आ जाएगा. एट नंबर जो है आपका विरोधवाचक, विरोधवाचक यानी के प्रतिकूल, के प्रतिकूल, के विपरीत, के विपरीत, के खिलाफ, के खिलाफ, के विरुद्ध, के विरुद्ध आदि दे देंगे इसमें. जैसे के विरुद्ध हुआ, हम दे सकते हैं इसमें कि हमें नियम के विरुद्ध, नियम के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए, कार्य नहीं करना चाहिए. हमें नियम के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए. सुंदर से आप सभी
लिखते चले प्यारे बच्चों। हमें नियम के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। नाइन्थ दे देंगे संबंधवाचक। संबंधवाचक संबंधवाचक यानी इसमें के संग के साथ आदि दे देंगे इसमें। जैसे प्रिया भाई के संग, प्रिया भाई के संग पिकनिक गई, भाई के संग पिकनिक गई तो के संग आ गया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट टेन नंबर दे देंगे प्यारे बच्चों इसमें, जो आपका है विषय वाचक। विषय वाचक यानी के विषय, के विषय के बारे में, के बारे में के भरोसे, के भरोसे नाम विषय आदि दे सकते हैं इसमें आदि। जैसे किसी के भरोसे, किसी के भरोसे बैठना उचित नहीं है। कदापि किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, अपना काम स्वयं करना चाहिए, दूसरे पर आश्रित कदापि नहीं रहना चाहिए। इसलिए कहा कि विषयवाचक है, के विषय के बारे में, के भरोसे नाम विषय आदि शब्द, यानी किसी के भरोसे बैठना उचित नहीं है। अब प्यारे बच्चों हम लोग चलेंगे एच डब्ल्यू की ओर, तो एच डब्ल्यू में लिख लें प्रश्न पहला दे देंगे इसमें। विरोधवाचक, विरोधवाचक और संबंधवाचक, संबंधवाचक में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन दे देंगे प्यारे बच्चों इसमें। विषयवाचक, विषयवाचक से क्या समझते हैं? उदाहरण लिखें। उदाहरण लिखें, उदाहरण सहित लिखें। और क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है प्यारे बच्चों देंगे इसमें के संबंध बोधक, संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में, क्रिया विशेषण में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है पहले।